नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी, सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन मोसेस के बारे में। मोसेस को हिंदी में बोले तो होता है मूसा। तो मूसा कौन थे, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि अब्राहमिक रिलीजन के अंदर जो अब्राहमिक रिलीजन है, तीन अब्राहमिक रिलीजन है, एक है इस्लाम, एक है क्रिश्चियनिटी और एक है जुडाइज्म यानी यहूदियों का धर्म। इन तीनों धर्मों के लोग जो हैं वो प्रॉफिट मूसा को अपना प्रॉफिट मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं। तो प्रॉफिट मूसा जो है इन तीनों धर्मों के लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं मूसा के नाम पे एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन मोसेस। ये कोड नेम था, ये एक मिलिट्री कोवर्ट ऑपरेशन था जो कि चलाया गया था इजराइल की मिलिट्री और इनकी खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा। साथ ही इस ऑपरेशन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भी इनकी मदद कर रही थी। इस ऑपरेशन में क्या कुछ हुआ उसकी बात करते हैं। थोड़ी सी मैं आपको बात बता देता हूं कि देखिए, ये जो देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, इसका नाम है यूथोपिया। यूथोपिया के अंदर बहुत सारे यहूदी पहले रहते थे, अब बहुत कम रहते हैं लेकिन अभी भी रहते हैं। इस यूथोपिया के अंदर रहने वाले यहूदियों को और इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एक बड़े भाग में रहने वाले यहूदियों को बीटा इजराइली कहा जाता है, बीटा इजराइल कम्युनिटी कहा जाता है। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप से आते थे, उसकी आगे हम बात करेंगे। तो इन यहूदियों के ऊपर काफी अत्याचार हुआ यूथोपिया के अंदर। मेनली यूथोपियन सिविल वॉर 1974 में जो हुआ था, उस सिविल वॉर में कम्युनिस्ट लोग जीत गए थे। उसके बाद इनके ऊपर और ज्यादा अत्याचार हुआ। उस अत्याचार के बाद यहाँ पे एक बड़ी फेमाइन भी आया, बड़ा भूखमरी की स्थिति हो गई, कई सारे यहाँ पे पेंडेमिक्स एपिडेमिक्स आए, जिसकी वजह से यहाँ के ये जो बीटा इजराइली लोग थे, जो यहूदी थे, वो भाग के सूडान के रिफ्यूजी कैंप्स में जाके बैठ गए। यहाँ पे खार्तूम में ये जो रिफ्यूजी कैंप थे यहाँ पे रहने लगे। खार्तूम इनकी कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पे इसके पास में रहने लगे। अब सूडान के लिए तो इन रिफ्यूजीज को मैनेज करना मुश्किल काम हो गया था। तो सूडान की सरकार ने भी यहाँ पे इजरायली लोगों से गुहार लगाई कि आप अपने यहूदियों को तो कम से कम यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाइए। और दूसरी तरफ यूथोपिया की जो सरकार थी वो बिल्कुल ये नहीं चाहती थी कि ये जो यहूदी हैं ये इजराइल तक पहुंचे, ये बात चल रही थी। लेकिन बाद में इजरायली सरकार ने ये सोचा, ये प्लान बनाया कि हम यहूदियों को यहाँ से निकालेंगे। और इजरायली सरकार और मोसाद का ये बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कि दुनिया भर में कहीं पे भी अगर यहूदियों को कोई दिक्कत हो रही है तो उनको लॉ ऑफ इजराइल पे, जो लैंड है इनकी, यहाँ तक पहुँचाया जाए। मतलब क्योंकि आपको पता है कि इजराइल के बनने की कहानी ही इस बात पे आधारित है कि उन लोगों का पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन हुआ और उन्होंने एक देश बनाया गया UN के द्वारा और वो लोग जो है यहाँ पे आके सेटल हुए दुनिया भर से यहाँ आके। तो आज भी यहूदी सरकार जो है इजराइल की, वो यही चाहती है कि दुनिया भर में कोई भी यहूदी है और उसके साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो उसको हम इजराइल तक पहुँचाएंगे, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, एक नहीं बल्कि कई ऑपरेशन चलाए गए थे। ऑपरेशन ब्रदर्स ऑपरेशन, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं हमारा मोसेस ऑपरेशन, जसूहा ऑपरेशन, सोलोमन, इस तरीके के ऑपरेशन चलाए गए। और इस इन ऑपरेशन के द्वारा इसराइल ने सीक्रेटली हजारों यूथोपियन यहूदियों को सूडान से इसराइल तक पहुंचाया। और ये ऑपरेशन आसान नहीं थे क्योंकि इनके आसपास इसराइल के पास में ये देखिए सारा अरब वर्ल्ड है और ये अरब देश जो है वो इजरायलियों को, यहूदियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इजराइल के अस्तित्व पे भी इन्होंने शुरुआत से सवाल उठाए थे कि यहाँ पे तो इजराइल नाम का कोई देश होना ही नहीं चाहिए। तो इस ऑपरेशन को इन्होंने कैसे अंजाम दिया, मोसाद की बहुत सारी कहानियां दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, कई ऑपरेशन के बारे में बात कर चुका हूँ, तो वो जो है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जो दुनिया भर के टॉप ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं वो सीरीज आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिलेगा। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि ऑपरेशन मोसेस जो है वो एक कोवर्ट ऑपरेशन था। इस कोवर्ट ऑपरेशंस में बीटा इजराइल कम्युनिटी यानी कि यहूदी जो थे यूथोपियन वर्ल्ड के, उनको यहाँ पे लाया गया। इनको फलासहा भी कहा जाता था और सूडान के अंदर इनको ये भाग गए थे। और 1984 के दौरान ये ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन मोसेस जो है नवंबर 1984 से जनवरी 1985 के बीच में हुआ था। हालांकि 1980 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक कई ऑपरेशंस हुए जिसमें हजारों की संख्या में यहूदियों को वहां पे पहुंचाया गया था। शुरुआत में इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था गुर एले यहूदा कर कब ऑफ द लायन जोधा, ये नाम रखा गया था। और उसके बाद जो है यूनाइटेड यहूदियों ने ये अपील करी और कहा कि इसका नाम जो है ऑपरेशन मोसेस रख दिया जाए, तो ये इसका कोडेड नाम बाद में रखा गया था बेसिकली। तो मेनली तीन ऑपरेशंस हुए थे, अगर मैं बात करूं एक इसमें ऐड करूं, 3+1 ऑपरेशन ब्रदर्स इसमें और ऐड कर दिया जाए। ऑपरेशन ब्रदर जो है 1984
76 से लेके 80 84 तक चल रहा था, 1979 से लेके 84 तक चल रहा था। उस पर एक मूवी भी बनी है, उसकी भी आगे मैं आपसे शेयर करूंगा तस्वीरें। तो ये ऑपरेशन चले गए थे जिसमें लगभग इन्होंने 20,000 से ज्यादा यूथोपियन यहूदियों को एयरलिफ्ट करके या फिर समुद्री रास्ते से इसराइल तक पहुंचाया है, जमीन पे पहुंचाया है। जो यहूदियों के लिए सबसे सेफ जगह है वो कहाँ है, इसराइल में है, वहां पे पहुंचाया है। उसके बाद इन्होंने इस कम्युनिटी को, बेटा इजरायली कम्युनिटी को, जो आइसोलेट थी स्पेशली वहां पे अपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वहां से इसको निकाला। अगर बात करें बेटा इजरायली कम्युनिटी की, बेटा इजरायल जो के लोग जो ये यहूदी हैं ये कौन थे, तो पुराने समय की जो कहानियां हैं और उनके जो ओरिजिन्स निकाले जाते हैं उसमें एक माना जाता है कि एक दो ट्राइब थी, डैन एक ट्राइब थी, सॉरी डैन नाम था, या फिर इसको कहा जाता है मेनिलिक आई ये फर्स्ट, ये जो व्यक्ति था इसके डिसेंडेंट्स हैं। और ये जो थे मेनेलिक फर्स्ट, ये जो हैं ये एक बिब्लिकल किंग सोलोमन और उनकी वाइफ शीबा के बच्चे थे। तो क्वीन सोलोमन और शीबा के वंशज जो हैं वो आगे चल के बीटा इजरायली बन गए, मतलब ये वो यहूदी कम्युनिटी जो कि अफ्रीका में रहती है वो कौन है, किंग सोलोमन के डिसेंडेंट्स हैं। उसके बाद शुरुआती समय में तो इनको प्रॉपर यहूदी माना नहीं जाता था, जोहूस नहीं माना जाता था, लेकिन साल 1975 में जो कई दुनिया भर में कई सारी अपडेट्स हुई, कई सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई कि इनको किसके अंदर शामिल किया जाए, तो इसराइल ने ऑफिशियली इनको बीटा इसराइलियों को भी यहूदी माना और इनको भी द लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर इंक्लूड किया। द लॉ ऑफ रिटर्न क्या है, बेसिकली यहूदी आज के समय मेनली अपना देश किसको मानते हैं, इसराइल को मानते हैं। इसराइल की जो जगह है वो हिस्टोरिकली किसको बिलोंग करती थी, इसके ऊपर डिस्प्यूट है, जेरूसलम के ऊपर डिस्प्यूट है, लेकिन यहूदी ये मानते हैं कि ये जो जगह है ये हमें बिलोंग करती थी, आज जहाँ पे वो रहते हैं, और ये जमीन जो है, ये जमीन जो ये जिस जहाँ पे इसराइल आज के समय बसा हुआ है, जेरूसलम और इसके आसपास का क्षेत्र, साल 1948 से पहले तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इसराइल नाम का कोई देश था ही नहीं, पैलेस्टाइन था। उसके बाद ये जो व्हाइट कलर का मैप था ये बनाया गया था, व्हाइट और ग्रीन दो देश बनाए गए थे। यहाँ पे पार्टीशन प्लान था 1947 में, यूएन ने कहा था, और यहाँ पे ये जो है ये अरब वर्ग के लोग, अरब लोग रहते थे, मुस्लिम रहते थे, वाइट में इसराइली रहते थे। उसके बाद इनके बीच में कई लड़ाइयाँ हुई, इसराइल जीतता चला गया और इसराइल का जो क्षेत्र है वो बढ़ता चला गया। तो बेसिकली इसराइली और यहूदी स्पेसिफिकली क्या कहते हैं कि ये जो जमीन है हिस्टोरिकली हमको बिलोंग करती थी, मतलब यहूदियों की जमीन रही है, और ये जो लॉ ऑफ रिटर्न है, ये रिटर्न का जो कानून है ये कहता है कि यहूदी अपनी जमीन पे कभी भी वापस आ सकते हैं, उनकी ये जमीन है, उनको रहने का यहाँ पे अधिकार है, और जहाँ पे भी यहूदियों का प्रोसिक्यूशन होता है वहां से इजरायली सरकार इस लॉ ऑफ रिटर्न के तहत अपने देश में इन यहूदियों को लेके आती है, ये इनका प्लान था। उसके बाद क्या होता है कि शुरुआती समय में अगर बीटा इजरायलियों की बात करें तो ये चर्चा में कब आई, शुरुआती समय में जो आप जानते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी तो दुनिया भर में शुरुआत से चल रहे थे, जीसस क्राइस्ट के जन्म से, जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद से ही वो पूरी दुनिया में फैलने लग गए थे। उनका काम था कि दुनिया भर के लोगों को कन्वर्ट करना है क्रिश्चियनिटी में, अपना एजेंडा, अपना प्रोपोगेंडा फैलाना है। तो 18-19 सेंचुरी के अंदर द लंडन सोसाइटी ऑफ द प्रोमोटिंग क्रिश्चियनिटी अमंगस्ट द ज्यूश, ये एक संस्था का कर रही थी। इसका मेन मकसद था कि ज्यूश लोगों को क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करना। इन लोगों को पता चल गया था कि इथोपिया के अंदर ये बेटा इजराइल कम्युनिटी रहती है तो इनको भी हम कन्वर्ट करेंगे। तो 1859 के आसपास इस एजेंसी ने, इस सोसाइटी ने यहाँ पे इथोपिया के अंदर काम करना शुरू कर दिया, और इस कन्वर्जन के दौरान कई लोग जो हैं वो प्रोटेस्टेंट बने भी। कई लोगों ने 1859 से 1922 के बीच में अपना धर्म परिवर्तन भी किया, मतलब यहूदी से ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, इथियोपियन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। तकरीबन 2000 ऐसे लोग थे, इनको आज के समय फैलेश मूरा कहा जाता है, ये हो गए। उसके बाद स्थिति आगे चल के क्या होती है, देखिए 1888 से 1892 के बीच में यहाँ पे बड़ा फेमाइन आता है, बड़ा स्थिति खराब होती है, और उसी दौरान कई यहाँ पे बीमारियां भी फैल जाती हैं। कोलेरा फैल जाता है 1889 से 92 के बीच में, टाइपस एपिडेमिक फैल जाता है, स्मॉल फॉक्स एपिडेमिक फैल जाता है, इतने बड़े स्तर पे फैलते हैं 1890 के दशक में, इन 3-4 साल के अंदर, कि यूथोपिया की एक तिहाई आबादी जो है इसके दौरान मारी जाती है। एक तिहाई आबादी किसी देश की खत्म हो जाना बहुत बड़ी बात होती है, और उस एक तिहाई आबादी के अंदर ऑब्वियसली बीटा इसराइली भी होंगे।
तो बेटा इसराइलियों की तो आधी से ज्यादा आबादी जो है इस पीरियड के अंदर खत्म हो गई। तो आधे से ज्यादा बेटा इसराइल के लोग जो है वो तो बेटा इसराइली या जिनको यहूदी कह दिया जाए यूथोपियन यहूदी जो है वो समाप्त हो गए, उनकी मौत हो गई और बाकी बचे। अब बाकी सर्वाइव कर रहे थे, मैं एक एक स्टेप पे नहीं चलूंगा, सीधा आप दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति पर चलते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उससे पहले क्या हुआ, आप जानते हैं कि यूरोप के अंदर यहूदियों को बहुत बड़े स्तर पे प्रोसिक्यूट किया गया, स्पेशली नाजी जर्मनी के द्वारा, जहां पे हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डलवा के मरवा दिया था। बड़े स्तर पे उनका प्रोसिक्यूशन हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने यह देखा कि यहूदियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ और कहा कि चलो अब स्टेट ऑफ इसराइल का फॉर्मेशन करेंगे। तो स्टेट ऑफ इसराइल, जिसकी मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा था, ये स्टेट ऑफ इसराइल बनाया गया 1948 में पार्टीशन प्लान के बाद, और इसराइल ने उसके बाद अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए डोमिनेट किया इस पूरे अरब वर्ल्ड को, और इनके साथ जो लड़ाइयां हुई अरब वर्ल्ड ने इनका विरोध किया उसको भी धराशायी करके, और आज भी वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे खड़ा है। उसी दौरान जब 1948 में बन गया था इसराइल, तो यूथोपिया के यहूदी जो थे, ज्यूज थे, उन्होंने भी सोचा कि ये हमारे पास सही मौका है, हम भी इसराइल चलते हैं, वहां पे चलेंगे तो हम अपने आप को यूनाइट कर पाएंगे, हमारे लोगों के बीच में रहेंगे, यहूदियों के बीच में रहेंगे तो हम ज्यादा सेफ फील करेंगे। लेकिन उस समय का जो एम्परर था यूथोपिया का, हेल सालासी, इस आदमी ने परमिशन नहीं दी और कहा कि नहीं जाने देंगे हम अपने लोगों को, हमारे साम्राज्य को छोड़ के जाने की तुम्हें परमिशन नहीं है। बेसिकली इजरायली यहूदियों के ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिया। ये होने के बाद यहाँ से इजरायली यहूदी नहीं गए, कुछ कुछ लोग जो है वो बचते बचाते चले गए, कुछ लोग यहाँ पे मारे गए, कुछ पढ़ाई के बहाने गए वहां पे इलीगली रहने लग गए इजरायल में, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी, हजारों की संख्या में लोग वहां पे पहुंचे भी हैं लेकिन ज्यादा नहीं पहुंच पाए, ज्यादातर लोग जो है वो यूथोपिया के अंदर ही अटक गए। अगर परमिशन मिल जाती कि चले जाओ इसराइल, तो वो शायद ज्यादातर लोग चले जाते, लेकिन जाने की परमिशन थी नहीं, तो सिर्फ इलीगल वाले ही गए। सितंबर 12 की तो बाद में बात करते हैं। इसी दौरान क्या हुआ, इथियोपिया के अंदर 1974 के आसपास एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। इस सिविल वॉर के अंदर कम्युनिस्ट जीत गए, जिनको डर्ग कमिटी कहा जाता था, डर्ग कमिटी या जुंथा आर्मी, जो कम्युनिस्ट मिलिट्री आर्मी थी इनकी, वो 12 सितंबर को जीत जाती है, पावर को सीज कर लेती है, यहाँ का जो राजा होता है हेली सेलेसिल फर्स्ट, इसको भी हटा देती है, और अब जो है कम्युनिस्ट जो है सत्ता में आते हैं। आने के बाद तुरंत कम्युनिज्म की आपको एक पहचान पता है कि वो धर्म विरोधी होते हैं, बहुत बार कई लोग जो होते हैं कम्युनिज्म के अंदर वो धर्म की मान्यता को सेपरेट कर देते हैं बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अब जो नए आए वो एंटी रिलीजियस थे और स्पेशली एंटी इजरायली भी थे। एंटी इजरायली होने की वजह से वो लोग जो हैं ज्यूइश लोगों के खिलाफ थे, ज्यूइश लोग जो इथियोपिया के अंदर थे उनका प्रोसिक्यूशन होता था। तो यहाँ पे इथियोपिया के अंदर आगे चल के सोचिए 1980 के बाद आठ दशक में भी प्रोसिक्यूशन हुआ है। तो इथियोपिया के अंदर ये प्रोसिक्यूशन हो रहा था, शोषण हो रहा था, अत्याचार से बचने के लिए ये इथियोपिया के यहूदी जो हैं वो भाग भाग के अपना देश छोड़ के अपने नेबरिंग कंट्री सूडान में भागने लग गए। अब ये देखिए यहाँ से इथियोपिया के लोग जो हैं बीटा इजरायली जो थे भाग के यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप्स में रहने लग गए। सूडान की सरकार के लिए भी ये चैलेंज था कि उनके अपनी स्थिति भी इतनी बेहतर नहीं थी, तो वो इजरायल से कहते हैं कि आप अपने लोगों को लेके जाइए। अपने उनके लोग तो नहीं थे, बट यहूदियों का एक तरह से लेजेंड, एक तरह से वो मसीहा बन के बैठता है इजरायल, तो उनको ये कहा गया। अब इजरायल ने शुरुआती समय में इसके ऊपर गौर किया कि ये लोग सच में यहूदी हैं कि नहीं, तो साल 1975 के अंदर ही इन्होंने ये बिल पास कर दिया कि ये द लॉ ऑफ रिटर्न, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था, उसके तहत आ सकते हैं जो इजरायली यहूदी हैं, नहीं यूथोपियन यहूदी हैं, वो इजरायल में आने की उनको परमिशन है, उनको हम सिटीजनशिप देंगे। लेकिन उस दौरान ही क्या है कि यूथोपिया की सरकार जो है उनको आने के लिए अलाउ नहीं कर रही थी कि आप इसराइल चले जाओ, बस उनका प्रोसिक्यूशन कर रही थी। तो उसी दौरान एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन ब्रदर, जहां से इनको लेके जाना था, उसकी अभी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कई ऑपरेशन हुए थे, इसराइल ने प्लान बनाया अमेरिका के साथ भी कि अमेरिकी के उपराष्ट्रपति उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उन्होंने इसराइल की मदद करी थी, वो इथियोपिया भी गए थे, वहाँ की सरकार से भी बात करी थी, लेकिन कुछ कुछ बातें हो पाई थी, कुछ नहीं हो पाई थी। तो इन्होंने कई कोवर्ट ऑपरेशन चलाए, जिसमें ऑपरेशन ब्रदर्स, ऑपरेशन मोसेस, ऑपरेशन जोसुआ, ऑपरेशन सोलोमन, ये ऑपरेशन थे। सबसे पहले ऑपरेशन ब्रदर्स था, इसके ऊपर एक मूवी बनी है, क्रिस इवान की मूवी है। क्रिस इवान्स वो जो आपके इसमें हैं कैप्टन अमेरिका में हैं, कैप्टन अमेरिका का जिन्होंने रोल निभाया है, उन्होंने ये मूवी करी है, द रेड सी वाला जो है इसका, इसके ऊपर ये मूवी बनी है, ऑपरेशन के ऊपर एक ये मूवी बनी है, सॉरी आगे चला गया मैं। ये तो देखिए इसमें
दूसरी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन इसका नाम है द रेड सी डाइविंग। ये मूवी जो है इस ऑपरेशन ब्रदर्स के ऊपर ही है। इसमें बेसिकली क्या हुआ, मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि रेड सी के सूडान के इस किनारे के ऊपर एक बड़ा रिजॉर्ट हुआ करता था। वो पुराने समय में चलता था लेकिन बाद में चलना बंद हो गया। अब उस जगह को खाली पड़ी थी, तो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने एजेंट्स को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंटेड बना के, झूठे डॉक्यूमेंट बना के वहां पे एक होटल का नाम देके उस जगह को रेंट पे लिया और वहां पे एक प्रॉपर तरीके से रिजोर्ट बनाया। इस रिजोर्ट में को बनाने की मंशा यही थी कि यहाँ पे यहूदियों को लेके आया जाएगा और यहूदियों को समुद्र के रास्ते होकर यहाँ पे इसराइल पहुंचाया जाएगा। कैसे पहुंचाया जाएगा? इस रास्ते से पहुंचाया जाएगा कि यूथोपिया से तो आ रहे हैं सूडान में, सूडान से जा रहे हैं इस वो रिजोर्ट में, और रिजोर्ट से समुद्र के रास्ते होते हुए इसराइल पहुंचा देंगे। ये इनका प्लान था, ये ऑपरेशन ब्रदर्स था। इसमें कई लोगों को, 8,000 से 7-8 हज़ार लोगों को इन्होंने पहुंचाया है, इस रास्ते से पहुंचाया है। और ये रिजोर्ट की इन्होंने खूब एडवर्टीजमेंट किया, खूब इस तरह से इनको दिखाया कि लोगों को बिल्कुल डाउट ना हो। डाउट हुआ भी नहीं कभी, इथोपिया को पता नहीं चला, कई ज्यादातर तो सूडान के लोगों को नहीं पता कि यहाँ ये जो रिजोर्ट चल रहा है ये इसकी क्या मंशा है। एक बार के लिए हालांकि ये जो है पता चल गया था यहाँ के लोगों को, इथोपिया के लोगों को, कि ऐसा ऑपरेशन चल रहा है, जिसकी वजह से ये नहीं पता चला था कि इस रिजॉर्ट के थ्रू चल रहा है, लेकिन उनको कुछ जहाजी बेड़ों की वजह से पता चल गया था कि यहाँ से जा रहे हैं इसराइल के अंदर यहूदियों को पहुंचाया जा रहा है। तो उसके बाद इस ऑपरेशन को बंद करना पड़ा था, लेकिन ये 1979 से 84 के बीच में चला था, ये ऑपरेशन था। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन मोसेस चलाया गया 21 नवंबर 1984 से 5 जनवरी 1985 के बीच में ये ऑपरेशन चलाया गया। और इसमें यह था कि इथियोपियन यहूदियों को इसराइल तक पहुंचाना है, लेकिन अब की बार समुद्री रास्ते से नहीं बल्कि हवाई रास्ते से लेके आना है। तो इसमें 30 एयरक्राफ्ट ने लगभग 8,000 लोगों को रिफ्यूजी कैंप से इसराइल पहुंचाया, लेकिन सूडान से इन्होंने उड़ान भर के ब्रुसेल गए और ब्रुसेल से ये इसराइल पहुंचे। तो इस तरीके से ये आए और इसमें मदद करी थी यूएसए ने भी, सीआईए जो इनकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, सूडानियन स्टेट सिक्योरिटी है, इसने भी मदद करी। धीरे धीरे इथोपिया से सूडान में लोग और सूडान से ब्रुसेल और ब्रुसेल से इसराइल, जहाँ पे पहुंचना था उनको वहां पे पहुंच रहे। तो ये सब चीजें चल रही थी। हालांकि इथोपिया के अंदर बेटा इसराइलियों को निकलने की छूट नहीं थी, उनको परमिशन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके लोग सीक्रेटली निकल रहे थे और रिफ्यूजी कैंप से ये इनके कॉन्टेक्ट में आके, मोसाद के एजेंट्स के कॉन्टेक्ट में आके ये यहाँ पे पहुंचे। तो ये मूवी का नाम है रेड सी ड्राइविंग रिजॉर्ट। इस मूवी को आप देखेंगे, आपको काफी ऑपरेशन ब्रदर्स के बारे में पता चलेगा। ये इस तरह से इन्होंने करी। उसके बाद ऑपरेशन जोसुआ भी हुआ। ऑपरेशन जोसुआ के अंदर क्या हुआ कि अमेरिका ने बात करी इथियोपिया की नई बनी सरकार से, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से यहूदियों को निकालना चाहते हैं। तो 500 से ज्यादा यहूदियों को इस समय अमेरिका की मदद के सहारे, ऑपरेशन जोसुआ की मदद से इसराइल पहुंचाया गया, यहाँ से इथोपिया से डायरेक्ट इसराइल पहुंचे गए। उसके बाद कई बार ये रहा कि इथोपिया के लोगों ने, इथोपिया की सरकार ने इनको जाने से मना किया, लेकिन फाइनली 1990 में इस बातचीत पे हल पे पहुंचे इसराइल और इथोपिया के लोग कि हम यहूदियों को यहाँ से भेजने के लिए तैयार हैं। तो यहूदी कई लोग जो हैं उनको इसराइल पहुंचाया गया, लेकिन उसके बाद स्थिति एक बार फिर खराब हो जाती है। इसराइल की स्थिति, यहाँ ये स्थिति खराब कब होती है, जब 1991 के अंदर एक रिबेल फोर्स जो है वो अदिस अबाबा, जो कि राजधानी है इथोपिया की, उसको अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो उसके बाद ये जो पहले कानून सरकारों के बीच में जो बातचीत हुई थी वो बातचीत वापस फेल हो जाती है। उस समय इसराइल सोचता है कि तुरंत अब तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे यहूदियों को पहुंचाएं। तो इन्होंने 34 प्लेन्स यानी 34 हवाई जहाजों को यहाँ पे तुरंत भेजा कि तुरंत से तुरंत जो है यहाँ पे यहूदियों को लेके आ जाओ। तो 24 मई 1991 को तकरीबन 24,000 से लगभग 14 नहीं 14,000, 24 नहीं 14,000 बीटा इजरायलियों को यहाँ पे इसराइल लेके आया गया। और इस तरीके से लेके आया गया कि हवाई जहाजों के अंदर की जो सीटें हैं वो भी निकाल दी, ताकि लोग सीधे बैठ के और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैठ सके। तो 1,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे एक एक फ्लाइट में लेके आया जा रहा था। इतने बड़े बड़े इनका ऑपरेशन था कि 34 विमान के अंदर इन्होंने 14,000 लोगों को ये लेके आए। और आज के समय स्थिति ये है कि 1,35,000 तकरीबन इथियोपियन यहूदी जो हैं वो इसराइल तक पहुंच चुके हैं, वहां पे रहते हैं। हालांकि यहाँ पे सोशल चैलेंजेस तो होते ही हैं, जब दो भले ही एक ही धर्म के लोग हों लेकिन उनके अंदर एक काफी डिफरेंस तो है ही।
क्योंकि वो वहां पे रहे हैं, अफ्रीका में रहे हैं, उनका सिस्टम, उनका सोशल स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे रेसिज्म जैसी चीजें भी होती हैं, लेकिन फिर भी लोग रहते हैं इसराइल के अंदर, सोसाइटी के अंदर रहते हैं। आज भी कुछ यहूदी जो हैं वो इथोपिया के अंदर अटके पड़े हैं, जिनको इसराइल की सरकार वहां से निकालने में अभी भी कुछ ना कुछ प्रयास कर रही है। तो होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि ये ऑपरेशन मोसेस जो सुहा, ऑपरेशन ब्रदर्स और ऑपरेशन सोलोमन क्या थे, सभी की मैंने लगभग आपसे बात करी है। लेकिन ऑपरेशन, इन सभी ऑपरेशंस का मेन एजेंडा यही था कि यहूदियों को अपने घर तक यानी इसराइल तक पहुंचाना। तो दोस्तों, वीडियो अंत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सक्सेस प्लस एकेडमी की ऑफिशियल एप्लीकेशन और इसका वेब पेज आ गया है, यहाँ पे आप जाके लॉगिन करके यहाँ से आप इन वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स तो देख ही सकते हैं। साथ ही आप अगर घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में ये कोर्सेज अवेलेबल होंगे सक्सेस प्लस अकेडमी के। अलग अलग समय पे अलग अलग ऑफर चलते रहते हैं, तो ये ऑफर्स के हिसाब से आप अपने कोर्सेज परचेस कर सकते हो, जहाँ पे आपको इन वीडियो के लेक्चर्स, इनसे रिलेटेड पीडीएफ, इनसे रिलेटेड टेस्ट मिल सकते हैं, जिनसे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। सी यू नेक्स्ट क्लास।